वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ मेरी महिंद्रा बोलेरो, जो कि 2017 मॉडल है। अभी तक 10,000 चल चुकी है, 10,000 भी नहीं चली है, करीबन 9,500 चली हुई है। तो देखते हैं इसकी ओवरव्यू क्या होती है और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बोलेरो में अभी तक की मेरी एक्सपीरियंस क्या रही, और आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर जानते हैं इस महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस ZLX की बारे में बात करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, ये रही मेरी महिंद्रा 2017 की पावर प्लस ZLX कार, और ये जो है रॉकी भेज कलर की है, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल कलर है। इसको मैंने स्पेशली एक महीने का ऑर्डर देकर ही मंगवाया था, क्योंकि शोरूम में अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने को 1.5 महीने रुकना पड़ा था। तो ये पुणे से बन के आई थी इस कलर की कार, और इसकी जो परफॉर्मेंस है और मेरी जो एक्सपीरियंस है, सारा मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोग के साथ कि ये कितना अच्छा कार है। क्योंकि ये है महिंद्रा बोलेरो की टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि ये है पावर प्लस ZLX मॉडल, और इसकी बात ही कुछ और है। इसकी आप ओवरव्यू आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं। तो करीबन ये 1500 cc की गाड़ी है, 74.bhp की पावर जनरेट करती है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप इसकी कलर देख लो, और काफ़ी डैशिंग लग रही है, क्योंकि मैंने इसको स्पेशली मंगाया था ऑर्डर देकर। रॉकी भैच कलर है ये, बहुत ही यूनिक कलर लगती है मेरे को। और मैं आपको एक बार साइड प्रोफाइल से एक बार और इंजॉय कराता हूँ आपको। इस साइड से आप देख लो एक बार, और यहाँ पे आपको देखो पावर प्लस ZLX का ये लोगो मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे आगे से, कि पहले ओवर भी कुछ दे देता हूँ कि ये गाड़ी बहुत ही चली, ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है, आप सबसे पहले हेलोजिन देखोगे ना, इसमें जो लैंप मिलता है, ये टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें जो लैंप देख रहे हो, ये लगेगा आपको DRL है, बट ये DRL नहीं है, पर अंदर में क्रोम फिनिश की गई है। और इसके साथ साथ ये इंडिकेटर लाइट है येलो कलर का, आप देख सकते हो यहाँ तक है। और ये जो है भी इंडिकेटर लाइट है, और ये जो हेलोजिन बल्ब है लाइट से, और यहाँ भी आप देख सकते हो ये भी कोई लाइट्स नहीं है, जस्ट ऑफ सो के लिए रखा हुआ है। और आप चाहो तो इसमें बहुत कुछ DRL वगैरह लगा सकते हो, बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कि मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता इस कार को, ऐसे ही रखा रहता है। और आप देख सकते हो काफ़ी क्लासिक लगती है। और इस बार की जो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी ये जो हेडलैम्प है, ये दिया गया है। इसके नीचे जैसे हम जाते हैं, तो आपको ये फॉग लाइट का लगाने का ऑप्शन, टॉप एंड वेरिएंट है, फिर भी इसमें मैंने लगवाना पड़ेगा, इसमें लगा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये दो जगह, और ये जो है ना, इसको मैंने एक्स्ट्रा में लगवाया है, ये भी नहीं रहता है, तो फिलहाल ये नहीं लगाया है। और यहाँ से क्या हुआ था कि मेरा जो मेरे पापा चला ड्राइव कर रहे थे, तो शायद ये यहाँ से निकल गया, तो ये थोड़ी सी नुकसान हुई है, और बाकी ओवरऑल कुछ नहीं हुई है। यहाँ पे जो आपको महिंद्रा की एक लोगो बैचिंग मिलती है क्रोम में, और ये जो है ये प्लास्टिक है, और ये भी जो है इसमें भी एक क्रोम फिनिश दिया गया है, दो की लुक बहुत अच्छी लगेगी। ये नहीं रहता तो आपको और अच्छे से समझ आती इस कार की ओवरव्यू। अब चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो आपको यहाँ पे टायर जो है, टायर भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 15 इंच की टायर इसमें दिया गया है, और 215/75 RS 15 जो टायर इसमें दिया गया है ड्यूलर का। और ये जो टायर जो अभी भी है ना, बहुत ही मस्त है यार, बहुत ही मस्त, आप देख रहे हो थोड़ी सी डिस्क्रेच नहीं की गई है टायर में, और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये यूज़ ही ज़्यादा चली नहीं है। और बोलेरो तो माना जाता है कि हाई ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, बट मैंने अभी तक कहीं ऑफ रोडिंग में नहीं ले गया, एक बार गाँव में अपने ले के गया था। इसके साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पर ये एलॉय लगा सकते हो, ये व्हील कैब लगाया हुआ है यहाँ पर, तो आप चाहो तो एलॉय व्हील्स भी लगा सकते हो अंदर में, बहुत कुछ करा सकते हो इसके साथ। और इसके साथ साथ ये जो है इसमें नहीं आती थी नॉर्मल बोलेरो में, या फिर जो इससे कम वाली वेरिएंट है, यानी बेस मॉडल है, बेस वेरिएंट है या टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको ये भी मिल जाती है, फुट स्टेप मिल जाती है यहाँ पे। इसके साथ साथ पीछे में भी वही है, आगे में डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे में आपको बेस ब्रेक मिलता है जो भी। इसके साथ साथ मैं आपको अगर पीछे से बात करूँ आपको, तो पीछे में आपको जो स्टेपनी मिलती है,
ये स्टेपनी भी काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पे इसके साथ। ये जो है ना इसको काफ़ी डैशिंग लुक बनाती है ये जो बोलेरो की जो स्टेपनी की कवर है। बिल्कुल अभी तक ये भी मेरा यूज़ नहीं हुआ है, मतलब अनयूज्ड है, मतलब सारा कुछ ओवरऑल आप देख सकते हो। पीछे के भी टायर में आपको एक बार दिखा दूँ तो ये देखो अब कितनी बेहतरीन है, अभी तक कोई भी स्टचअप नहीं की गई है और बिल्कुल बहुत ही डैशिंग है। थोड़े मोड़े स्क्रैच मुझे लग रहा है, स्क्रैच भी नहीं है, वो हल्का सा एक फील दिया गया है। इसके साथ साथ अब जो स्टेपनी का ये जो लुक लग रही है काफ़ी मस्त लग रही है, जो टायर भी अनयूज्ड है तो ये चीज़ बोलेरो में काफ़ी बेहतरीन लगती है, जिसको बेहतरीन बनाती है। इसके साथ साथ टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प भी और ख़तरनाक लगती है, इस खासकर पावरफुल जो है ये टॉप एंड वेरिएंट में ये जो मिलता है, ये सिंगल और एक ग्लोसी वाले लुक लगती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हो गया इंडिकेटर लाइट, ये हो गया आपका नॉर्मल, अगर आप ब्रेक पे पाव देते हो तो ये रेड जलती है, और ये नॉर्मल अगर आप बैक कर रहे हो तो ये चीज़ जलती है ये लाइट। तो ये भी एक डैशिंग लुक लग रही है ये जो टेल लैम्प इसको में दिया गया है, तो इसका भी मैंने अच्छा खासा यूज़ किया, इसमें भी आपको कुछ स्क्रैच नहीं हुआ है 3 साल बाद भी, ये भी बेटर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ भी बहुत शायद इसको भी आपको एक्स्ट्रा फिटिंग करवाना पड़ता है, ये भी आपको अनफिटेड मिलती है कंपनी की तरफ से, तो इसको आप लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये हुई है, ये महिंद्रा का जो लोगो है ना, यहाँ पे मेरे वजह से ही मैंने बैक गलती से बैक कर लगा दिया, तो ये क्या हुआ पीछे की तरफ आ गया, इसके वजह से ये निकल गया था। और यहाँ भी आप देख सकते हो इसकी जो टेल लैम्प है सेम है, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक हुई नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे एक लोगो जो है ना AHIN की, वो गिर गई है मेरी वजह से, मैंने क्या किया था रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी को आगे चल उतर गया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। अब आते हैं इस एंगल से, इस एंगल में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है बोलेरो पावर प्लस ZLX, यहाँ पे क्योंकि टॉप एंड वेरियंट है तो आपको जो है यहाँ पर ZLX मिलता है, SLX होता है, SLE होता है, बहुत कुछ ऑप्शन होता है, तो ये बहुत है। और ये आपको तो पता होगा बोलेरो जो भी लेते हैं यार ये सोच कर लेते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है या फिर पहाड़ी या फिर बहुत बहुत कुछ ऐसा जो सिचुएशंस आता है कि ऑफ रोडिंग करना है या फिर लॉन्ग टूर पे। मैंने बहुत बार सोचा था लद्दाख की ट्रिप पे जाऊंगा इस बार, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के चलते नहीं, तो अभी तक मैं निकल जाता, मेरा प्लान था वहीं का जाने का, बट अगर जाते तो और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते इस कार को लेके, इस बोलेरो को लेके। तो आइए अब कुछ दिखाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ भी कोई स्क्रैच वगैरह अभी कुछ नहीं हुई, एकदम सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपको रूफ़ रेल जो है ये देख सकते हो, ये भी एक्स्ट्रा में टॉप एंड वेरिएंट में रहती है, बट आप फिर भी आपको एक्स्ट्रा में लगवाना ही पड़ता है ये सब, ये रूफ़ रेल है। उसके बाद यहाँ भी सही है, परफेक्ट है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ भी। और लाइक इसके साथ साथ मैं अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। उसके बाद ये पावर प्लस, ये जो पहले तो CDI इंजन थी तो थोड़ी सी साउंड को ज़्यादा करती थी, बट MHOG इंजन D70 आने के बाद ये काफ़ी नॉइज़ फ्री हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं करती है अंदर बैठने के बाद या फिर गाड़ी को चलाने के बाद। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये कार को मतलब टॉप एंड वेरिएंट बनाया है बोलेरो ने, काफ़ी अच्छी है। और ये देखो यहाँ पे भी इंडिकेटर लाइट है, तो यहाँ पे अभी तक ओवर भी देखो कुछ 3 साल तक कभी, मतलब 2017 की कार है, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम इसमें हमको बाहर से नज़र नहीं आई। अब अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ है स्क्रैच वगैरह। यहाँ तक अभी तक तो मेरे को बहुत ही अच्छा सा मैंने आपको बताया कि रूफ रेल वगैरह। और सबसे पहले अब हम आते हैं यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर सीट से, तो यहाँ पे मैं जैसे खोलता हूँ तो आपको यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी कड़क टाइप्स की ये बार बनाई गई है हेड को, इसको खोलने के लिए। उसके बाद ये है अनलॉक लॉक करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना आपको जो इंजन के बारे में यानी कि जो जो चीज़ अंदर में है उसके लिए कौन सी क्या है यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस ये भी टायर प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है, SLX, SLE, SLX, DI, मतलब सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। हालांकि ये तो टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें जो है ZLX ही मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा मेरे को उसके लिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी कुछ रखने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने अभी अपना मास्क को रखा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ अब सीट के बारे में बताऊँ तो ये मैंने
ऊपर से सीट कवर को लगाया है। बहुत दिन तक मैंने बिना सीट कवर का ही यूज़ किया था, बट इसके पिछले साल ही मैंने और इसको चेंज किया था। और सीट कवर आप देख सकते हो काफ़ी ग्लोसी वाला, मतलब ब्राउन, और इसको कहते हैं कि एक इस कार को ले इसकी मैच के हिसाब से इसका इसको सीट कवर को मैंने लगवाया था। अब आते हैं इसकी डैशबोर्ड पे। तो इसकी डैशबोर्ड पे हम जैसे आते हैं तो इसकी डैशबोर्ड देख सकते हो, उतनी ख़ास तो नहीं है। और कहा जाता है दोस्तों, और दोस्तों कहा जाता है कि जो है महिंद्रा ना है इंटीरियर, जो महिंद्रा की बोलेरो होती है उसकी इंटीरियर काफ़ी ख़राब है, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है ये कहते हैं लोग। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो महिंद्रा का जो पावर प्लस जेड एल एक्स या फिर टॉप एंड वेरियंट जो बनाया ना, काफ़ी मस्त है और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें तो आपको डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बार, सब कुछ इसमें मिलता है। तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। बस एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही थी कि ये जो थोड़ा सा और बहुत बेहतरीन हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग जो है ना, अच्छी फिनिशिंग नहीं दी गई है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बट फिर भी ओवरऑल गुड, बहुत अच्छी लुक में भी लग रही है। और इसके साथ साथ बीच में अगर इसको ये जो सेंटर बार को देखो यहाँ पे, तो ये जो है वुडन फिनिश किया गया है, यानी कि वुडन से इसको बनाया गया। ये और एसी वेंट जो है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये सारा जो है ना आप देख सकते हो वुडन फिनिश में दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको एसी वेंट है, इसके नीचे जो है आपको मिलता है महिंद्रा की तरफ से केनवुड का आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको फ़ोन कनेक्ट कर पाएंगे आपके। इसके साथ साथ एफएम रेडियो, यहाँ पे डीवीडी प्लेयर, ऑक्स एसयूवी सॉरी यूएसबी पोर्ट यहाँ पे लगा सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलिंग के लिए कॉल रिसीवर है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कुछ बेहतरीन फीचर्स इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो है ऑटो आप इससे खुद कर सकते हो। इसके साथ साथ ये इंजन हीट हो गया या फिर नॉर्मल, इसके लिए ये चीज़ दिया गया है। इसके साथ साथ ग्लो बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, ग्लो बॉक्स में भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट ओवरऑल फिर भी ठीक है, चलेगा अपने कुछ पेपर्स को रखने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ मैंने रुमाल को रखा है अपना, आप देख सकते हो। और ये है एसी की वेंट। तो एसी भी काफ़ी मतलब 3 साल हो गए, जिसमें से एक बार मैंने आपको ये जो एसी के लिए मैंने कूलिंग को मैंने डलवाया था, जिसके लिए कूल थोड़ी सी एसी मेरे को 2 साल बाद पता चला कि एसी में थोड़ी सी मेरे को कूलिंग को डलवाना पड़ेगा, तो मैंने इसको डलवाया था। इसके साथ साथ इस साइड में आपको मैं देखूं तो इसके एसी के साथ साथ यहाँ पे स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि माइक्रो हाइब्रा है, यानी कि जो स्कॉर्पियो में, मतलब आप कह सकते हो जो स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में आती है, वो सारे इंजन की फीचर जो है इसमें दिया गया। स्टार्ट स्टॉप जो है आपको स्कॉर्पियो में ही आती थी, लेकिन टॉप एंड वेरियंट में आपको सिर्फ जो पावर प्लस जेड एल एक्स में ही स्टार्ट स्टॉप को मिलेगी, और शायद एसएली में भी मिल जाए मुझे, आई डोंट नो, मुझे कोई जज मत करना कि शायद तुम बोल रहे हो इसी में मिलता है। हो सकता है कि और भी बोलेरो के वेरियंट में मिल जाए, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें है। तो मैं आपको बता दी स्टार स्टॉप का है। यहाँ पे आपको जो है लाइट्स की जो है आपको 3 में रखना है या फिर 4 में रखना है। रात में क्या होता है, जो लाइट जो होती है ना हेलोजिन, वो ऐसे, मतलब आप 3 नंबर पे है तो ऐसे होगा, 4 में है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ है इसमें। इसके बाद चाबी जो है मेरा जो है ये जो चाबी है वो डुप्लीकेट वाला नहीं है, मतलब एक सिंगल वाला है। और जो है इसमें जो है इसके साथ साथ जो चाबी होती है यहाँ से ऑफ और यहाँ से लॉक और यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। ये जो है, हालांकि यहाँ पे जो डिजिटल मेरा की था वो टूट चुका है, मैं इसको नॉर्मल, मेरा जो पहले नॉर्मल विदाउट की था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है लाइट्स के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे वाइपर है, वाइपर के कंट्रोल है यहाँ पे नॉर्मल लाइट्स के जितने कंट्रोल से ये दिया गया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस के, मैं जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ इसमें बहुत सारा ये चीज़ बहुत है इस बोलेरो में। बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे डिजिटल कंसोल कुछ दिया गया नहीं है, तो ओवरव्यू मतलब इसको बोलेरो में ऐसा कुछ था नहीं, बट अब आ रहा है, जिससे बहुत सारा जो है ना थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है बोलेरो का, तो ये जान सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक मेरी जो कार है वो चली हुई है
9,565 किलोमीटर आरपीएम यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे सारा कुछ इंडिकेट कर देता है। ओवरव्यू, सीट बेल्ट अगर नहीं पहने हो तो वो चीज़ बोल देगा, देखो यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इंजन इंडिकेट कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो ये जो अगर यहाँ पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं रहा तो यहाँ भी ऑन ऑफ करने लगता है। तो सारा कुछ इसके साथ साथ यहाँ भी, इसके बगल में भी कुछ यहाँ पे स्क्रॉल बार मिलती है यहाँ पे, तो अभी भी तो। और माइलेज की बात करूँ दोस्तों, तो माइलेज जो है ना करीबन मेरे को 14 से 15 का अभी भी एवरेज दे रही है। नया में थोड़ा सा कम था, लगभग मैंने जो 17 में लिया था तो आई थिंक मेरे हिसाब से करीबन करीबन वो 12 से 13 का माइलेज देता था, लेकिन अभी ओवरऑल बहुत ही अच्छा माइलेज मेरे को मिल जाता है, 14 से 15 का मिल जाता है, कभी कभी 16 17 तक पहुँच जाती है। तो दैट्स वेरी गुड कि हाँ, न्यू में थोड़ी सी होती है, माइलेज थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे वेनेटी मिरर में आपको ड्राइवर सीट में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे को ड्राइवर सीट में आपको एक यहाँ पे मिरर भी मिलता है। और इसके साथ साथ रीडिंग लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, रीडिंग लाइट है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं इसके यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग के लिए केबल दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रखने के लिए यहाँ पे मेरा चश्मा वगैरह रखा हुआ है। और ये जो है आपको 5 ट्रांसमिशन में मिलता है, मतलब 5 गियर इस ट्रांसमिशन इसमें। इसके साथ यहाँ पे 2 बोतल होल्डर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको विंडोज़ है, यानी यहाँ यहीं से देखो मैं खोलता हूँ इसको तो खुल रही है, यहीं से मैं बंद करूँ तो बंद होती है। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे विंडोज़ के लिए कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो विंडोज़ बंद हो जाएगा, आपको सारा कुछ यहीं से करना पड़ेगा। ओके, तो अब चलते हैं। यहाँ पे देखो चाइल्ड लॉक नहीं है, बट रियर में मिल जाएगा, तो मैं आपको रियर में लेकर चलता हूँ पैसेंजर सीट पे। ये 7 सीटर कार है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं रियर खोलता हूँ तो यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हैंडी दिया गया है, और यहाँ पे बहुत ही सही लग रहा है। स्पेस भी काफ़ी बहुत ही अच्छा मेरे को लगा है, लेग रूम भी काफ़ी सही है। और इसके साथ साथ मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे कोई विंडोज़ के लिए ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट यहीं से मेरे को करना पड़ेगा विंडोज़ के लिए। और इसके साथ साथ एक फीचर्स और है, और वो कंफर्ट तो है ही भाई, मैं बहुत बार गया हूँ इसके साथ। तो ये जो यहाँ पे आर्म रेस्ट भी यहाँ पे मिडिल में दिया गया है, खासकर बोलेरो में ऐसा नहीं होता था, बट इसमें दिया गया है। और टॉप एंड वेरिएंट में पता नहीं एसएलई में दिया या नहीं दिया है। और ऊपर से जो रूफ़ देख रहे हो ये भी उतना तो मतलब मेरी जो 5.6 की हाइट है, मैं ओवर व्यू बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठ पाता हूँ, या फिर जो नॉर्मल होते हैं ना 7 फुट के भी आदमी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और रूफ उतनी खास नहीं है, और ज़्यादा आप इसमें करने जाओगे तो शायद हो जाएगा, बट वो फिर आवाज़ होने लगती है टक 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 वाली। और इसके साथ साथ यहाँ पे पीछे भी जो है ना सीट बेल्ट लगाने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो ओवर व्यू आपने देख लिया कि इस महिंद्रा बोलेरो में क्या खास। एक मिनट रुक। तो दोस्तों अब ये जो यहाँ पे आपको जो है ना आपको बोनेट का ऑप्शन मिलता है, तो ये मेरा बोनेट खुल गया, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बाहर भी यहाँ भी। तो ये मेरा बोनेट है जो 1500 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। इसके साथ बैटरी भी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सारा कुछ इसमें देख सकते हो कैसा है। अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही सही है। 3 साल हो चुके हैं इस कार का। ए वन कंडीशन की है, एयर कूलर यहाँ पे सारा कुछ इसमें दिया गया। सिर्फ एसी के लिए मैंने एक बार यहाँ पे फिल्टर करवाया था यहाँ पे, उसके बाद ओवरऑल बहुत बहुत सही है। इंजन आप देख सकते हो तो काफ़ी सही है, 74 bhk का है। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने ओवरव्यू दिया कि अभी 2017 की कार्स में और इस कार्स में क्या डिफरेंस है। हालांकि BS6 जो आया है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इससे कंपेयर करके बताऊं कि उसमें एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ, BS4 और BS6 में क्या कंपेरिजन है। तो दोस्तों तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि ये ओवर जो है ऑफ रोडिंग के लिए कितनी सही कार है। और इसके बारे में हम बात करें तो बहुत कच्ची सड़क, पक्की सड़क सब में ये चढ़ाई कर सकती है, और बोलेरो इस काम के लिए जाना जाता है। ओवर ये देखा जाता है कि आप किस काम के लिए, कोई भी रफ यूज़ के लिए ले सकते हो, कोई भी लद्दाख ट्रिप के लिए वगैरह सब ले सकते हो। तो आजकल तो देख रहा हूँ XUV500 को भी लेके आदमी लोग निकल जा रहे हैं कहीं भी लेकर, तो बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज भी काफ़ी सही देती है, एवरेज भी सही है,
ओवरऑल आप एक कार को ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।